चुनाव तो होते हैं, नेताओं की हार जीत भी होती रहती है, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव के वक्त लाल डायरी ने जो सुर्खियां बटोरी है, उसके बाद राजस्थान के लोग पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव को नहीं भूल सकते। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजेंद्र गुड्डा ने पिछले साल विधानसभा में लाल डायरी दिखाकर गहलोत सरकार की पसीने छुड़ा दिए, और यही लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड्डा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अपनी ही सरकार को घेरने के कारण उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर राजेंद्र गुड्डा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था और उसके टिकट पर ही चुनाव लड़े, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन अब चर्चा है कि गुड्डा एक बार फिर पार्टी बदल सकते हैं। इन सियासी चर्चाओं से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में शिवसेना का दामन छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में गुड्डा ने झुंझुनू में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राजेंद्र गुड्डा ने साफ कर दिया कि वह शिवसेना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान गुड्डा ने यह भी कहा कि AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी मेरे मित्र हैं और हम आपस में मिलते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। राजेंद्र गुड्डा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर झुंझुनू से उपचुनाव लड़ सकते हैं। राजेंद्र गुड्डा कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए, लेकिन गुड्डा फिर से अपना पाला बदलने की तैयारी में लग रहे हैं। झुंझुनू लोकसभा चुनाव में विधायक ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीत कर अब सांसद बन चुके हैं, तो अब झुंझुनू की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव होंगे। इधर राजेंद्र गुड्डा की नजर अब झुंझुनू विधानसभा सीट पर बन गई है। इसके पीछे की वजह है झुंझुनू में 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए अब राजेंद्र गुड्डा ओवैसी का दामन थाम सकते हैं। बता दें, गुड्डा ने साल 2008 और 2018 में दो बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार गुड्डा जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें स्वतंत्र प्रभार देते हुए राज्य मंत्री बनाया, लेकिन अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस बसपा के बीच पाला बदलने से जुड़ा उनका 2021 का उदयपुर वाटी में दिया एक वीडियो अक्सर वायरल होता रहता है, जिसमें वो जनता के बीच यह कहते सुनाई देते हैं कि मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतता हूँ और इसके बाद कांग्रेस में आकर मंत्री बन जाता हूँ। जब कांग्रेस में दरी उठाने का टाइम आता है तो मैं ये कहकर निकल लेता हूँ कि संभालो अपनी पार्टी, बताइए मेरे खेल में कोई कमी है क्या। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।